मोटिवेशन चाहिए अगर आपको जेई की आईआईटी जाने की, इस वीडियो को आप देखा करना जब भी आपको डिमोटिवेटेड लगे, इसको सेव कर लेना कहीं पे डाल देना, ठीक है। और मैं तो कहूँगा सुबह उठ के रोज देख लेना एक बार, इतना बढ़िया तरीके से आप पढ़ोगे ना पूरे दिन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखो तो अभी हम बात करेंगे जो बच्चे भी ट्वेल्थ में है मेनली उनसे, हालांकि बाकी बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन ट्वेल्थ में जो बच्चे यार आपके अभी एग्जाम में बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है, भले ही आपका जेई मेन फर्स्ट वाले की आप बात कर लो, भले ही आप आपके बोर्ड एग्जाम की बात कर लो, भले ही आप आपके जेई एडवांस की बात कर लो, आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम अब बचा है। अब आपके पास कोई ऐसा नहीं है 1.5 साल बच्चा है, 2 साल बच्चा है, ठीक है, जो मर्जी पढ़े कर रहे हैं, केवल आपके पास लेस देन 1 ईयर, लेस देन 6 मंथ्स, इवन आप कह सकते हैं इतना कम टाइम आपके पास बचा है इस एग्जाम में, ओके। और अब आप में भी दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। पहले वो स्टूडेंट्स जिनका अभी तक प्रिपरेशन सही जा रहा था कि ठीक है भाई अपन सही कर रहे हैं, अपना 11th का बैकलॉग ज्यादा नहीं है, अपना जेई का मतलब जो भी होता है टेस्ट वेस्ट ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, कुछ चीजों में अपन बिल्कुल डिफॉल्ट फॉल्ट पर है, लेकिन वी आर डूइंग आर बेस्ट, ठीक है, हम ठीक चल रहे हैं। अब दूसरे ऐसे बच्चे होंगे जो सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पीरियड है ना, ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें इन दोनों बच्चों को दिक्कतें आएंगी, और दोनों को ना अलग अलग तरीके की दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो जो बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है उसकी दिक्कत सबसे मेनली ये रहती है कि एक तो बैकलॉग बहुत ज्यादा होती है इस बच्चे की, 11th का भी पढ़ना है, 12th का भी, कई सारे इसको पोर्शन नहीं आता है, ठीक है। दूसरा इसका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नीचे होता है, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी इश्यू होती है क्योंकि इसको लगता है अरे यार मैं तो इतना लास्ट में हूँ, मेरा कास्ट सिलेक्शन होगा, ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस बच्चे की रहती है। और तीसरी प्रॉब्लम कि इस बच्चे के पास ना टाइम की बहुत कमी है, टाइम वैसे तो सबके पास ही नहीं है लेकिन इसके पास स्पेशली नहीं है क्योंकि इसको इतनी चीजें कवर करनी है, राइट। और ये वाला जो बच्चा है ना, इसकी दिक्कत अलग आएगी, इसकी दिक्कत होगी डिस्ट्रैक्शन, जो इस बच्चे को भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं, इस बच्चे को भी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, इस बच्चे की दिक्कत हो सकती है रिवीजन, ठीक है। क्योंकि देखो आपने जस्ट बिकॉज सब कुछ पढ़ रखा है इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आगे भी याद रहेगा, आपने अगर रिवाइज नहीं किया तो आप कुछ नहीं हो, यू आर दिस गाय इज द सेम एज दिस गाय इफ ही डजंट रिवाइज, ओके, मेनली यही दिक्कत है, ठीक है। टेस्ट की दिक्कत और गिन सकते हो, बट ठीक है, चलो सारे पॉइंट्स की डिस्कशन अपन एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं यार बैकलॉग पर। तो मेरे भाई एक बात समझो, आप ये मान के चलो कि आपकी जेई प्रिपरेशन आज से शुरू है, ठीक है, आपकी जेई प्रिपरेशन आज से एक नए चैप्टर से शुरू है, अभी तक जो हुआ है वो सब व्हाइट वॉश करो, सब सफाया करो, आपने आज से जेई के बारे में सुना है, आपने आईआईटी शब्द आज सुना है और आपको पता ही नहीं था कि जेई में कुछ होता भी अब तक, ठीक है। अब जिस बच्चे ने प्रिपरेशन आज शुरू करी है उसकी कौन सी बैकलॉग है? बैकलॉग तो उस बच्चे की आप मान सकते हो ना जो पहले से पढ़ रहा था और उसकी नहीं हुई, ठीक है, आपने तो शुरुआत ही आज की है, आपकी कहां से बैकलॉग? आपका सिलेबस आज से डे वन से शुरू है, तो आज से मन लगा के बैठ जाओ, जो जागो तभी सवेरा वाली मेंटालिटी अपना दो और बैकलॉग करना बंद कर दो, तुम्हारी कोई बैकलॉग नहीं है, ठीक है। आपका नया बैच है, आपका नया बैच आज से चालू हुआ है, जिसका सिलेबस आज से चालू है और आप ही उस बैच के टीचर है, आप ही उस बैच के स्टूडेंट भी है और वो बैच टॉप मारेगा। तो बैच अगर आज शुरू हुआ है तो उसकी बैकलॉग कितनी हुई? जीरो। तो बैकलॉग आपकी जीरो है, प्रॉब्लम सॉल्व। अब आते हैं कि आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। तो भाई मैं तुम्हें बात बताता हूं कि सबसे बड़ी चीज कोई अगर जीवन में होती है ना जो हमें आगे लेके जाती है, वो होता है अपने दिमाग में हम अपनी सेल्फ इमेज क्या रखते हैं, ठीक है। ये मैटर नहीं करता है कि आप आज कहां पर हो, मैटर ये करता है कि आप अपने आपको भविष्य में कहां पर देखते हो। इसको कई लोग कहते हैं कि अरे तो फाका फूकी कर रहा है, फेंक रहा है, लेकिन इस बात में कुछ रियलिटी भी है, ठीक है। आप अगर बहुत सक्सेसफुल हैं लेकिन आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं छोटा है, आप अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं, आप अपने आप को समझते हैं अरे यार यार मैं तो इतना कोई खास व्यक्ति हूं नहीं, तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी। आप देखिए कई सारे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर होते हैं, जिनको कोई भाव नहीं देते हैं, जिनको सब उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं उनकी? क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं उनकी सेल्फ इमेज शायद उतनी अच्छी नहीं उन्होंने प्रोट्रे की हुई है खुद को भी और दुनिया को भी, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम है खुद में, राइट। वर्सेस कुछ लोग होते हैं जो होते कुछ भी नहीं है लेकिन दुनिया पे उनका राज चल रहा है, क्यों? कॉन्फिडेंस बंदे का हाई है, बंदा अपने आप को विजुलाइज कर सकता है कि यार मैं तो एक बड़ी पोजिशन पर हूंगा और वो बाद में मैनिफेस्ट भी होती है, ठीक है। तो ये सब जो आप बातें सुनते हैं, स्पेशली लड़कियां काफी करती है ये मैनिफेस्ट और ये सब, ठीक है, कमेंट्स में आप बता सकती हैं क्या क्या मैनिफेस्ट आप करती हैं, ये सब चीजों में कुछ सच्चाई भी है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस अपने आप को लो मत होने दो, अपने आप को जब तक आईआईटीएन सोचोगे नहीं आप आईआईटीएन बनोगे नहीं, ठीक है। जब तक आप अपने आप को नहीं सोचोगे कि हम जेई क्लियर कर सकते हैं, एग्जाम क्लियर कर सकते, तब तक नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है भाई, नहीं होगा, ऐसा सोचने वाले बंदे कभी नहीं होता है।
मेरे दिमाग में 8वीं 9वीं क्लास से था कि यार मैं बहुत आगे जाऊंगा, मेरा सब जगह नाम होगा, मैं तो रैंक ये लाऊंगा वो लाऊंगा, आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, मेरे को पता था बचपन से। तो मेरे को आज भी पता है कि आगे चल के मैं बिलियनियर भी बनूंगा, सब मेरे को सब पता है, ठीक है। तो वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए तो आगे हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। कॉन्फिडेंस हाई रखना है भाई, वो आपको कम होने ही नहीं देना है, ओके। तो आज से कोई बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा कि यार हमारा सिलेक्शन हो सकता है क्या, क्या हमारा सिलेक्शन होगा, होगा क्या नहीं होगा, नहीं सोचना भाई। ऐसे क्यों सोच रहे हो यार, ऐसे बेवकूफ जैसे क्यों सोच रहे हो, आपको सोचने यार हो जाएगा यार, पढ़ेंगे क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। वैसी मेंटालिटी आपको रखनी है। तो ये वाला पॉइंट भी कवर, टाइम की कमी है भाई, टाइम की तो कोई कमी है ही नहीं, टाइम की कोई कमी है ही नहीं। आपके जेई एडवांस में अभी लगभग कितने 7-8-9 महीने बचे होंगे, कैलकुलेशन कर लो यार, 5 महीने अगले साल के, 3 महीने इस साल के, हाँ 8 महीने बचे जेई एडवांस में। हो सकता है जून या जुलाई में हो जाए, तो 9 महीने बचे हो, 9 महीने में बहुत कुछ हो जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है, बहुत चीजें हो जाती है, आपकी दुनिया बदल जाती है। कई बार 8 महीने पहले कोई व्यक्ति जिसको दुनिया नहीं जानती थी, आज वो पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। कोई व्यक्ति 8 महीने पहले आम आदमी था, आज वो बढ़िया कर रहा है, राइट। तो दुनिया बहुत जल्दी चेंज होती है बॉस, ओके। 8 महीने तो बहुत बड़ा पीरियड है, 1 महीने में बहुत कुछ हो जाता है। 1 महीना जो होता है ना जेई मेन और एडवांस वाला, उसमें पूरी दुनिया चेंज हो जाती है बच्चों की। आपके पास तो 8 महीने बच्चे हैं एडवांस में, और इवन अभी जो मेन आने वाला है उसमें भी तो 3 महीने बच्चे हैं, एप्लीकेटम को भी आप गिनो उसमें 6 महीने बच्चे हैं। तो टाइम आपके पास है, टाइम को यूटिलाइजेशन आप सही से शायद नहीं कर रहे हो। देखो तो आपके फर्स्ट वाले जेई मेन में 100 दिन बचे हैं, लगभग 10 घंटे दिन का पढ़ते हो, 1000 घंटे। भाई 1000 घंटे किसको कहते हैं, 1000 घंटे अगर आप किसी कला में लगा देते हो ना, आप उसके वर्ल्ड में बेस्ट बन जाओगे। और ये तो पढ़ाई है, और कुछ चीजें तो आपको ऑलरेडी आती भी होंगी। अगर आप इस चैनल को देख रहे हो, अगर आप इस चैनल को देख रहे हो, आप कहीं ना कहीं सीरियस स्टूडेंट हो, राइट। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, यहाँ पे पढ़ाई और जेई आईटी रिलेटेड एकदम भयंकर बातें आती है जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, ठीक है। बाकी सब बातें बस बाकी सब लोग बस देखते हैं, हमने कर भी रखा है एग्जाम, कॉप भी मारा हुआ है, ठीक है। एकदम ऑथेंटिक बातें करते हैं यहाँ पे, कुछ शुगर कोटिंग नहीं, एकदम प्रॉपर आपको आईटी पहुंचा के दम लेंगे, वैसी बातें होती है। अगर सब बातें फॉलो की तो सब्सक्राइब नोटिफाई कर लेना। 1000 घंटे में आप दुनिया में बेस्ट बन सकते हो, ठीक है। एडवांस में अगर हम देखें, एडवांस में मेरे हिसाब से एटलीस्ट 200 से 250 दिन तो है, ठीक है। 8 महीने में लगभग 250 दिन होते हैं, तो 2500 घंटे आपके पास है, तो दिन में 10 घंटे भी पढ़ते हो, ओके। वेरी बिग नंबर भाई, बहुत बड़ा नंबर है 2500 घंटे, किसको कहते हैं, बहुत ज्यादा नंबर है, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। 2500 घंटे में आप ज्यादा नहीं तो 25 से 30 हजार क्वेश्चन तो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन पूरे जेई सिलेबस में नहीं होंगे बच्चों के जो पढ़ते हैं ना कोचिंग में, इतने क्वेश्चन होंगे ही नहीं। तो समय तो आपके पास देखो है भाई, ठीक है, समय की कमी तो है, वो तो हम नहीं मान सकते आर्ग्यूमेंट। अब आती है सबसे मेन चीज, डिस्ट्रैक्शन, जो इस बच्चे को होगी जो अच्छा कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है उसको भी होगी। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक जीवन का बहुत ही कटु सत्य है, सभी लोग ध्यान से सुने, ठीक है। कि कभी भी आप रामायण महाभारत आप अगर देखेंगे पुराने जमाने में जाकर, ठीक है, देखनी चाहिए, अच्छी चीज है वो, आप देखेंगे अगर, ठीक है, तो वहां पे ना कई बार इस तरह की कथा होती है कि कोई ऋषि या मुनि होते हैं ना, उनको कुछ चाहिए होता है तो तपस्या करने बैठ जाते हैं, और तपस्या भी वो नेक्स्ट लेवल की करते हैं। वो हिमालय पर जाके बैठ जाएंगे, कहीं पर लावा होगा वहां बैठ जाएंगे, कहीं पर डेजर्ट होगा वहां बैठ जाएंगे, तो ऐसी जगह नहीं बैठेंगे कि एसी लगा के बैठ गए, अच्छी जगह बैठेंगे, एकदम जहां पे लगे कि भाई लेवल की तपस्या हो रही है, वहां पे जाके वो अपना तप चालू करेंगे, वो जो उनकी जो तपस्या होती है चालू करते हैं। कई बार सालों बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, दिन बीत जाते हैं, तपस्या करते रहते हैं। अब भगवान की क्या है, कहीं ना कहीं उनको चिंता होने लगती है कि अरे यार ये बंदा कहीं अपनी तपस्या पूरी ना कर ले, क्योंकि पूरी कर लेगा तो मुझे इसे वरदान देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं इसको अपन डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन भेजते हैं, फल फ्रूट भेजेंगे, ठीक है, कोई मायावी जीव आएगा वो आएगा डिस्ट्रैक्ट करने, कोई और लालच आएगा, कभी कोई अप्सरा भेजेंगे, बहुत चीजें वो करते हैं, ठीक है। आप देखिए पुरानी, आप अगर देखेंगे रामायण महाभारत आती थी, उसमें इस तरह की कई चीजें बताई गई है। तो अब कई ऋषि मुनि तो इन चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, उनकी तपस्या भंग हो जाती थी, उनको लग रहा है कि अरे भाई हम तो मजे मार रहे हैं लाइफ में, लेकिन असली बात क्या है कि वो अपने वरदान से दूर चले गए अब। और कोई कोई होते थे ऋषि मुनि स्ट्रांग एकदम, वो तपस्या कुछ भी हो जाए छोड़ते ही नहीं थे, उनके आसपास कुछ भी भेज देते भगवान, वो तपस्या किए जाते थे। और फिर लास्ट में देखो बंदा तपस्या कर रहा है, भगवान को आना तो पड़ेगा, तो प्रकट होते थे, बोलते थे यार बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं दूंगा, तुम्हारी तपस्या बहुत अच्छी, मैं प्रसन्न हुआ। और भगवान नहीं चाहते वो हो, क्यों, क्योंकि अगर वो हो गया तो देना पड़ेगा, क्या पता बंदा कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी मांग सकता है, राइट। हो सकता है वो आईआईटी बॉम्बे सीएस मांग ले, हो सकता है आईआईटी दिल्ली सीएस मांग ले, हो सकता है कि वो करोड़ों की पैकेज मांग ले। तो इसलिए भगवान नहीं चाहेंगे कि ज्यादा लोग अपनी तपस्या पूरी करें, इसलिए वो डिस्ट्रक्शन भेजते हैं।
तो आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन भेजे जा रहे हैं। आप भी उस मुनि की तरह है जो तप पर बैठा हुआ है, जेई का तप, पढ़ाई का तप, और वो आईआईटी की जो वरदान है या जो भी सक्सेस का वरदान है, जो भी आपका गोल है, उस वरदान का कहीं ना कहीं वो चेस कर रहा है। और अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए इन छोटी मोटी चीजों से जो भेजी गई आपकी दिशा में, तो आप नहीं कर पाएंगे वो वरदान पूरा। ठीक है, आपको इमीडिएट लगेगा कि अरे यार मजा आ रहा है यार है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको लगेगा अरे यार ये सब चीजें तो रह गई कहीं पे, वरदान होता तो ठीक रहता, इसका मैं क्या करूंगा, टेम्पररी चीज है, राइट। ये चीज रियलाइज करनी बहुत जरूरी है, और ये चीज मैं आपको करा नहीं सकता हूँ रियलाइज। मैं आपको बोल सकता हूँ कि मोबाइल बंद कर लो, लेकिन अगर आपको डिस्ट्रैक्ट होना होगा वापस ऑन कर लेंगे। वो अंदर से आता है, स्ट्रांग ऋषि अंदर से बनता है कोई भी। तो क्या आप स्ट्रांग ऋषि हैं, क्या आप वीक हैं, कमेंट्स में भी मुझे बताएं, और दिमाग में भी थोड़ा रखें कि डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना, और कई बार ये डिस्ट्रैक्शन ना सक्सेस से जस्ट पहले भेजा जाता है, वरदान जब मिलने वाला तो जस्ट पहले सबसे खतरनाक डिस्ट्रैक्शन आता है। सबके साथ होता है ये, मैंने भी कई बार नोटिस किया कि मेरा कोई बहुत बड़ी चीज मेरे साथ होने वाली होती है ना, उससे जस्ट पहले मैं याद करता हूं यार इससे पहले ना एक चीज हुई थी जिसमें मैं जा सकता था, मैं गया नहीं था। ठीक है, सच में मतलब मेरे को अभी एक्चुअली फ्लैश हो रहे दिमाग में, मैं हर चीज बता नहीं सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ी ज्यादा पर्सनल चली जाएंगी बातें और मुझे पसंद नहीं है पब्लिक में अपनी पर्सनल बातें डालना। तो हाँ यार, काफी चीजें याद आ रही है मुझे इस तरह की, राइट। तो तीन चार बार हो चुका है, मतलब जेई से पहले भी हुआ था, मेरा आईजीएसटी से पहले भी हुआ था, मैंने अकेडमिक्स वगैरह पे कोर्सेज लॉन्च किए तो उससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, मुझे याद आ रहा है, जब कोई डिस्ट्रैक्शन भेजा गया था अपनी तरफ। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन अपनी तरफ कोई आई थी, डिस्ट्रक्शन अपनी तरफ कोई किसी तरह किसी प्रकार से मैन्युफैक्चर होकर आई थी कि यार ये बंदा कहीं ना कहीं भटक जाए, लेकिन हम भटके नहीं, हम चलते रहे और कहीं ना कहीं अच्छा हो गया। तो वो स्ट्रेंथ आपको अंदर से लानी पड़ेगी। ठीक है, वही आपको कहीं ना कहीं जो ये आजकल चलता है ना सिग्मा स्लैश अल्फा स्लैश रेड पिल जो भी है, ठीक है भाई वो तुम्हें बनाती है ये सब चीजें, ठीक है, तो देख सकते हो तुम। ठीक है, बैटमैन वगैरह जो भी होता है। फिर आता है अपना ये क्या लिखता है, रिविजन है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका एक बार सिलेबस हो गया वो इनफ नहीं है, बार बार रिवीजन करके ही चीजें दिमाग में घुसती है, बार बार रिवीजन करके ही फॉर्मूले समझ में आते हैं, बार बार रिवीजन करके ही इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन बनते हैं। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन स्पेशली अगर आप मैकेनिज्म वगैरह की बातें करेंगे, ऑर्गेनिक में अगर रिवीजन नहीं है आप भूल जाते हो कौन सी रिएक्शन कहां लगेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म वगैरह रिवाइज करना, रीअरेंजमेंट वगैरह, ये सब जो बच्चा रिवाइज नहीं करता ऑर्गेनिक में वो पीछे हो जाता है इवेंचुअली। ठीक है, और मैथ में भी इतने सारे क्वेश्चन टाइप है उसमें भी रिवीजन बहुत जरूरी है। फिजिक्स में भी आप कह सकते हो रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बट अगेन वो सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट है कि उसमें पढ़ने में एक बार ही दिक्कत आ जाती है, राइट। तो रिवीजन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक दो घंटे डेली के निकालो, आप कोशिश करो कि हफ्ते के एटलीस्ट 10 घंटे आप रिवीजन को दे रहे हो अभी, और बाद में और ज्यादा आप दोगे। ठीक है, संडे को ज्यादा दे रहे हो जैसे भी, बट आप हफ्ते के 10 घंटे मिनिमम दो रिवीजन को, राइट। तो ये मैंने सारी जो मेन दिक्कतें आती थी ना बच्चों को सब मैंने रिजोल्व कर दी है। ओके, तो आई होप आप लोग अब ज्यादा मोटिवेटेड होंगे पढ़ने की तरफ, ज्यादा समय नहीं बिगाड़ेंगे अब हम। एक बस लास्ट में बात और बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि यार ये सब जो मैंने आपको बातें बताई ना, ये मैं आपको आपके स्पेसिफिक केस के लिए बताऊं, आपके साथ में आपकी जेई प्रेप में चलूं, और आपके पर्टिकुलर केस में क्या स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी, किन चीजों का आपका ध्यान रखना है, आपके नंबर मैं खुद बढ़वाऊं, अगर आप ये चाहते हो, बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, आप मेरी जेई की लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कल उसका लाइव सेशन है। ठीक है, तो उसमें मैं आऊंगा और हर एक बच्चे से मैं 1-to-1 बात करता हूँ, हम जूम कॉल करते हैं, उसमें सभी बच्चे आते हैं और सबसे मैं 1-to-1 बात करता हूँ, वो मुझे अपनी दुविधाएं बताते हैं, मैं उनको बताता हूँ, मैं उनको टारगेट वगैरह भी देता हूँ। ठीक है, तो एक तो है कि आप अपनी प्रिपरेशन ऐसी हवा में चल रहे हो, एक है कि मेरे जितना एक्सपीरियंस बंदा आपके साथ आपको गाइड करेगा, आपको टारगेट्स देगा, आपको आपकी प्रिपरेशन की गलतियां बताएगा, बहुत अलग डिफरेंस आता है। ठीक है, इस तरह की चीज आज तक कभी हुई नहीं है और आप अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा का इजाफा देखेंगे। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि यार मैं आपके नंबर 10% बढ़वा दूंगा, आप उसके लिए कितना पैसा देने को तैयार होंगे, आप उसके लिए लाखों रुपए देने को तैयार हो जाएंगे। जेई एडवांस के दिन स्पेशली आपका जितना भी स्कोर है, मैं बोलूं मैं 10% नंबर बढ़ा दूंगा, मैं 20% नंबर बढ़ा दूंगा, मैं नंबर डबल कर दूंगा, लेट से मैं इतना बोलता हूं, आप लोग उस समय रेडी हो जाओगे, भैया लाखों रुपए देने को तैयार हो, लेकिन नंबर डबल नहीं हो रहा, रिजल्ट आ गया, तो अभी मैं करवा रहा हूं आपके नंबर इंक्रीज। कितने सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं उस प्रोग्राम में, उन सबके नंबर में इंप्रूवमेंट, सबके सब ने बोला कि उनकी पढ़ाई में, उनके स्टडी आवर्स में, उनकी समझ में, उनके नंबरों में इंप्रूवमेंट है, गारंटेड इंप्रूवमेंट है। ठीक है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं बोल रहा नेगेटिव है, सबको मजा आया। ठीक है, आपको ऐसा चाहिए मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आ जाओ, तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन सुलझा दूंगा। तो अगर दिक्कत में हो छोटे मोटे पैसे को मत देखो, जल्दी से आओ, बहुत ही कम फीस है उसकी, जस्ट अ फ्यू थाउजेंड रुपीज। ठीक है, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। डिस्क्रिप्शन में जाओ, एनरोल हो जाओ, कल लाइव आके मिलते हैं और अच्छे से आपको प्रिपरेशन हम बढ़िया करते हैं।
थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना, बाय।